हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे। पेज नंबर आपको 269 पे दिया गया है। थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊंगा। जो पिछला जो सम था 6 और 7, थोड़ा मैं स्पीडी गया। काफ़ी सारे बच्चे सोचते रहे कि सर ये क्या करा रहे हो, तो अंतरिक्ष में हम घूम रहे हैं। तो वैसा ना हो, इसके लिए जैसा हो फॉर्मूला था, रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफाई, बस उसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा। डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जैसा इसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो वैसे मैं, चलो माय डियर स्टूडेंट, बुक में जाके मैं सम सॉल्व करूँ तो डेफिनेटली नया तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 करेंगे। क्या बोलते थे, ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराग डिड नॉट एग्री द शो द एक्सेस क्रेडिट। यहाँ पर कितना दिया गया है, 6000 दिया गया। मतलब तो उसका अकाउंट में क्या है, क्रेडिट साइड पर क्या है, 6000 रुपये ज़्यादा है। क्लियर है? तो आप सभी को पता, अगर क्रेडिट साइड पर ज़्यादा है, अगर जो बच्चे लेजर पता रहेंगे, तो अगर सिंपल सा क्रेडिट साइड, अगर ये आपको डेबिट है क्रेडिट, तो उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना दिया गया है, 6000। यही बैलेंस क्या होगा, इस तरफ आ जाता है। कितना हो जाएगा ये, 6000 आपको पता रहेगा। ऐसे ही ये बैलेंस, मतलब ये बैलेंस कौन सी साइड का दिया गया है, डेबिट साइड का दिया। एक्सेस आया, मतलब एक्सेस क्रेडिट ऑफ अ डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस है, हमें तो बैलेंस चाहिए। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा दिया, क्या बोले, यहाँ पर डिफरेंस दिया गया, बैलेंस दिया नहीं है। जबकि ऊपर वाले जितने भी सम थे वहाँ पर देखो शॉर्ट, यहाँ पर मतलब ये डेबिट साइड शॉर्ट, मतलब ये डायरेक्टली बैलेंस दिया गया। उसके ऊपर वाले में भी डिफरेंस सारा आपको दिया गया है। क्लियर है? तो मतलब ये बैलेंस कौन सी तरफ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो आपने, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर आपको जनरल प्रॉपर बनाने का, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सेम एज यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट मैंने बनाया, उसकी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। यहाँ पर क्या जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्लियर है? तो टू यहाँ पर क्या जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना दिया गया, 6000 रुपीज़ मुझे दिया गया है। क्लियर है? ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम, यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर रामकांत, रमाकांत 8000, पोस्ट दिस अकाउंट कितना लिख दिया, 6000। अगर कैश रिसीव हो रहा है तो इसका, अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया ही है, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो उसका करेक्ट एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर कितना पैसा आ रहा है, देखो यहाँ पर 8000 आ रहा है, तो उसका करेक्ट एंट्री क्या रहेगा। जैसे आपको पता है कैश अकाउंट डेबिट, क्लियर है, उसका करेक्ट एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो रहा है, 8000 से। टू यहाँ पर किसका नाम आना चाहिए, ये रमाकांत का नाम आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पर रमाकांत अकाउंट 8000 आना चाहिए। अगर गलती से मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 गलती से, देखो मैंने उसके अकाउंट में कितना लिख दिया, 6000 रुपये लिख दिया। मतलब गलती से मैंने यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट कितना लिख दिया, कैश अकाउंट तो मैंने बराबर लिखा 8000, बट गलती से उसके अकाउंट में, मतलब किसके अकाउंट में, रमाकांत के अकाउंट में कितना लिख दिया मैंने, 6000 रुपये लिख दिया। मतलब यहाँ पर 8000 लिखा है, यहाँ पर 6000, इसको ही क्या करना है, रिवर्स। तो ये कहाँ चला जाएगा, रमाकांत अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 6000 रुपीस आ जाएगा। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, ये कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, कैश अकाउंट तो मैंने बराबर 8000 ही लिखा है, तो ये कैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 6000, और यहाँ पर कितना है, 8000, मतलब ये भी 6000 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर और कितना पैसा बचेगा, 2000 बचेगा। मतलब क्रेडिट साइड पे रमाकांत पे कितना आ गया, यहाँ पर रमाकांत अकाउंट कितना आ गया मेरे लिए, 2000। आप सभी को पता चल गया, यहाँ पर कितना पैसा और बचा, 2000 रुपीज़ बचा। ये 6000 और ये 8000, तो मतलब ये 8 तो कैंसिल हो गया, चलो कैश डेबिट करिए। यहाँ पर देखो 6000 है, यहाँ पर 8000, तो 6000 माइनस यहाँ से 6000 करेंगे तो कितना बचा क्रेडिट में रमाकांत, और डेबिट में कुछ नाम नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा न्यू तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सस्पेंस अकाउंट टू रमाकांत अकाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट एंट्री यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर 2000 से। टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रमाकांत का नाम आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर रमाकांत अकाउंट कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर? अभी इसका नरेशन लिखना है, तो नरेशन लिखना सिंपल ही है, बिंग रेक्टिफिकेशन, बिंग यहाँ पर आपको लिखना है रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग लेस अमाउंट, मतलब कम अमाउंट लिखा है, तो इसको क्या आ जाएगा, लेस अमाउंट इन हिज बुक। इन हिज बुक का मतलब किसकी बुक में आ जाएगा, रमाकांत की बुक में हमने क्या कर दिया, तो अमाउंट कम लिखा है। क्लियर है? अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्या बोल रहे, क्रेडिट परचेज फ्रॉम किसका, यहाँ पर नमन,
कितना है 7000। अगर इसका सबको पता रहेगा, क्रेडिट परचेस किया तो उसका करेक्ट एंट्री क्या रहता है आप सभी को पता है। यहाँ पर सॉरी मैं पेज कहाँ टर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरफ आएगा, करेक्ट एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट क्या होगा डेबिट, राइट। क्रेडिट परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा 7000 से। टू यहाँ पर किसका नाम लिखा है, नमन अकाउंट, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, नमन अकाउंट कितना आ जाएगा 7000 रुपीज़ आ जाएगा। अभी देखो वॉज रिकॉर्डेड इन, मैंने क्या लिख दिया, सेल्स बुक में लिख दिया, मतलब रिकॉर्ड मैंने क्या कर दिया सेल्स बुक में, तो सेल्स ऑलवेज कर। हाउ एवर नमन अकाउंट वॉज अ करेक्टली क्रेडिट, मतलब नमन अकाउंट क्रेडिट है, चलो वो तो मैंने क्रेडिट किया, मतलब गलती से देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने गलती से क्या लिख दिया, देखो सेल्स बुक में लिख दिया और सेल्स अकाउंट क्या रहेगा डेबिट हो जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 7000। और देखो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम, पर नमन, पर नमन अकाउंट का तो मैंने सही में क्या लिखा, मैंने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा, तो यहाँ पर नमन अकाउंट कहाँ पर आ गया, रॉन्गली मैंने ऐसा कुछ एंट्री पास किया, मतलब डेबिट साइड पे कुछ लिखा नहीं, क्रेडिट साइड पे टू सेल्स में लिखा और नमन अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया। देखो यहाँ पर दिया, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, हाउ एवर द नमन अकाउंट वॉज अ करेक्टली क्रेडिटेड, मतलब नमन अकाउंट को करेक्टली मैंने इसको ही क्या करना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पर देखो ये क्रेडिट में तो कुछ नहीं आएगा, डेबिट में क्या बचा, यहाँ पर सेल्स बचा, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट। हालांकि तुम बोलोगे सर ऐसा एंट्री भी होता है, हाँ जी हो जाता है कभी कभी, दोनों अकाउंट क्या हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या आ गया, नमन अकाउंट भी क्या आ गया, ये 7000 रुपये आ गए, क्लियर है। अभी देखो ये कहाँ पर है, नमन अकाउंट कहाँ पर है, ये डेबिट, ये एक सॉरी ये क्रेडिट है, ये डेबिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। डेबिट में क्या बचा, सेल्स बचा, डेबिट में क्या बचा, परचेज बचा, क्लियर है। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, मतलब आप देखो सेल्स कहाँ पर बचा, डेबिट में, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से हो जाएगा यहाँ पर 7000 से। परचेज अकाउंट भी क्या हो जाएगा डेबिट, कितने से हो जाएगा 7000 से हो जाएगा। क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम आ जाएगा, अमाउंट कितना आएगा 7+7, हालांकि जनरल पता है ना टैली, ये करेक्ट एंट्री पास करना रहेगा, तो 7+7 कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा, मतलब सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम आ जाएगा, क्लियर। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे मैंने क्या किया। तो हमें जनरल एंट्री में क्या लिखना रहेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, टू क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट सेकंड नंबर आ जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 7000 से। परचेज अकाउंट भी डेबिट कितना हो जाएगा 7000 से हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 7000 से। और टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 14000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। अभी इसका नरेशन लिखना रहेगा, तो बींग क्रेडिट परचेज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग क्रेडिट परचेज, मैंने किया था क्रेडिट परचेज, उसे मैंने क्या कर दिया, वेयर रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर रॉन्गली रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर नाउ रेक्टिफाई लिखो तो आपका एग्जामिनर है वो भी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्लियर है। नाउ यहाँ पर आ जाएगा रेक्टी फाइड आ जाएगा, क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में, थोड़ा नया तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आगे क्या बोल रहे, रिटर्न इन वर्ड बुक क्या है, ओवरकास्ट, आप सभी को पता ही है, इतना सिंपल है। रिटर्न इन वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, क्लियर है। रिटर्न इन वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। ओवरकास्ट मतलब ओवर रहेगा तो मैंने बताया था कहाँ आ जाएगा, अपोजिट साइड पे आ जाएगा, क्लियर। ओवर रहेगा तो आप सभी को पता है कहाँ पर आ जाएगा, अपोजिट साइड पे आ जाएगा। तो अपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर टू रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिखो, और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट नाम आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ से आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ थर्ड वन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आप सभी को पता ही रहेगा। ओवरकास्ट आया तो अपोजिट साइड, और टू यहाँ पर किसका नाम दिया गया, रिटर्न इनवर्ड दिया गया है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ आ जाएगा। इसका नरेशन लिखना रहेगा, बींग सेल्स बींग रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा बींग रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट। नाउ क्या आ जाएगा, रेक्टिफाइड लिखो तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, क्लियर है। नाउ क्या आ जाएगा, रेक्टिफाई आ जाएगा, मतलब ये पहले फर्स्ट थ्री ट्रांजेक्शन आपको पेज नंबर 269 पे दिए गए। आगे बढ़ते 260
270 पेज नंबर पे, यहाँ पर क्या बोल रहे, टोटल ऑफ अ सेल्स बुक वॉज नॉट पोस्ट टू द सेल्स अकाउंट, कितना है टोटल। देखो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, आप सभी को पता है सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, और डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ फोर्थ वन क्या आ जाएगा, डेबिट में सस्पेंस अकाउंट क्या आ जाएगा, डेबिट। देखो यहाँ पर तुम बोलो सर यहाँ पर पोस्ट किया नहीं है, तो इसके लिए पोस्ट करने के लिए वापस हमें क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सेल्स की बुक में कितना लिखना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो सेल्स की बुक में कितना आ जाएगा 10,000, इसका नरेशन लिखना आएगा, तो बिंग टोटल ऑफ सेल्स बुक नॉट पोस्ट इन सेल्स अकाउंट, तो बिंग यहाँ पर लिख दो टोटल ऑफ सेल्स बुक नॉट क्या कर दिया ये पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, क्लियर है। टोटल ऑफ सेल्स बुक्स नॉट पोस्ट इन सेल्स अकाउंट, नाउ क्या आ जाएगा ये रेक्टिफाइड आ जाएगा, क्लियर है। नाउ क्या आ गया यहाँ पर रेक्टिफाई, इतना ही सिंपल सम था, वेरी वेरी सिंपल ही है। आपको पता है रिटर्न इनवर्ड ओवरकास्ट है तो कहाँ जाएगा, अगर सेल्स बुक में लिखा नहीं तो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे लास्ट वाला, मशीनरी परचेस कितने का किया मैंने, 10,000, वॉस पोस्ट टू द परचेज अकाउंट, कितना लिख दिया मैंने, 5,000 रुपीज़ लिख दिया, मतलब मशीनरी परचेस किया, तो इसका करेक्ट एंट्री क्या रहेगा, मशीनरी अकाउंट टू क्या रहेगा, कैश अकाउंट, पर गलती से मैंने यहाँ पर परचेज अकाउंट में कितना लिख दिया, 5,000, मतलब गलती से मैंने डेबिट साइड पे परचेज अकाउंट कितना लिख दिया, 5,000। यहाँ पर आपको अगर करके मैं बताऊँ तो यहाँ पर मैं थर्ड नंबर डाल मशीनरी परचेस किया, तो करेक्ट एंट्री क्या रहेगा मेरे लिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट किया, 10,000 से, और मेरे पास से क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट जाएगा, कितना जाएगा, 10,000 जाएगा। अभी गलती से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर परचेज अकाउंट में कितना लिख दे रहा हूँ, परचेज अकाउंट कितना लिख दे रहा हूँ मैं, 5,000, और यहाँ पर टू कैश तो मैंने सही लिखा, टू कैश कितना लिखा मैंने यहाँ पर, करेक्टली मैं कितना लिखा यहाँ पर, 10,000 में करेक्टली। हालांकि तुम बोलोगे सर ये काम बोला गया, ये समझने वाली बात है कि कैश के बारे में हमने ऑलवेज सही लिखा रहता है, क्लियर है। पैसे का हिसाब सबके साथ कैसा रहता है, अच्छा ही रहता है, और यहाँ पर ये कैश कहाँ पर, क्रेडिट में, तो कैश कहाँ चला जाएगा, डेबिट में, तो ये कैश कहाँ चला गया, डेबिट में चला गया 10,000 से, और टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। ये कैश कहाँ पर चला गया, ये 10,000 से चला गया। अभी देखो ये कैश कैश यहाँ से क्या होगा, सॉरी ये परचेज अकाउंट का अमाउंट कितना दिया गया, 5,000 में लिखा, तो 5,000 ये कैश कैश 10,000 से कैंसिल हो गया। अभी देखो डेबिट में मशीनरी कितना बचा, 10,000, तो डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, डेबिट साइड पे मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, ये मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, ये 10,000 आ गया। और देखो क्रेडिट साइड पे क्या बचा, टू परचेज कितना बचा, 5,000 बचा, और देखो और 5,000 यहाँ पर कम पड़ रहा है जनरल एंट्री, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट का नाम आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो अपना एंट्री क्या बचा, मशीनरी अकाउंट 10,000, टू परचेज अकाउंट 5, टू सस्पेंस अकाउंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एंट्री नंबर क्या है, 5, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आ गया, ये 10,000 से, टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 से आ जाएगा, और टू यहाँ पर किसका नाम है, ये सस्पेंस अकाउंट कितना आ जाएगा, 5,000 से आ जाएगा, क्लियर है। और इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना, बिंग मशीनरी परचेज पोस्ट टू द परचेज अकाउंट, बिंग मशीनरी में क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, बिंग मशीनरी में क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, बिंग मशीनरी परचेज वेयर पोस्ट टू परचेज अकाउंट बाय 5,000 रुपीज़ से मैं कह रहा हूँ, परचेज अकाउंट में लिख रहा हूँ। नाव क्या लिखना है, रेक्टिफाइड आ जाएगा, नाव क्या आ जाएगा, ये रेक्टिफाइड आ जाएगा। आप जैसे भी लिख सकते हो, बिंग मशीनरी परचेज वेज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट बाय रुपीज़ 5,000, यहाँ पर रुपीज़ कर दो, और नाव रेक्टिफाई। अगर आपको इसका टोटल चाहिए तो इसका टोटल आ जाएगा समथिंग 37,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। हालांकि आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके लिए किसी समय में कराया किसी समय नहीं। अभी सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो देखो वेरी फर्स्ट में सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर था,
डेबिट में था तो हम कहाँ लिखेंगे डेबिट में, नाम किसका आ जाएगा यहाँ पर, ये रमाकांत आ जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू रमाकांत आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया था, ये 2000 रुपीज़ दिया गया था। उसके बाद देखो सस्पेंस कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड नाम किसका आएगा, ये सेल्स और परचेस का 77000। तो यहाँ पर एंट्री नंबर सेकंड है तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, बाय सेल्स अकाउंट कितना आ गया ये 7000 से, और बाय ये किसका नाम आ जाएगा, परचेस। मतलब देखो आपको पता रहेगा मेरा वो लेजर वाला रूल, अगर किसी के साथ घूमने जा रहे हो, दो लोग है देखो, ये घूमने जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट में दो लोग है तो क्या बोलेंगे, अपना अपना पैसा तुम निकालो। सेम एज अ सस्पेंस कहाँ पर है, डेबिट में, तो सस्पेंस की डेबिट साइड नाम क्या रहेगा, रिटर्न इनवर्ड 1000 से। तो आप सेल्स रिटर्न भी लिखो या रिटर्न इनवर्ड लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू रिटर्न इनवर्ड, तो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कितना आ जाएगा, ये 1000 रुपीज़ से आ जाएगा। क्लियर है। अभी वापस से सस्पेंस कहाँ पर है, डेबिट में, क्रेडिट में नाम किसका दिया है, सेल्स का, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, ये फोर्थ वन, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 10000 रुपीज़ से आ जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो सस्पेंस कहाँ पर था, क्रेडिट में, तो सस्पेंस की नाम किसका आएगा, मशीनरी, अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 ही आ जाएगा। तो ये 5 नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000। अगर इसका टोटल करोगे 17 प्लस 17 कितना होगा, 14 प्लस मुझे 5 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अगर इसका टोटल करो तो भी कितना आ जाएगा, 19 ही आएगा। कैसे सर, 6 2 कितना हो गया, 7 8 9 और 10 कितना हो गया, ये 19000 हो गया। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको वीडियो समझ में आ क्या रहेगा फुल्ली, कैसे मैंने क्या किया समझे। तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।